तो आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे छेना रसगुल्ला। हम पहले एक गंजी रख लेंगे। मैंने मलाई वाले 1.5 लीटर दूध ले लिए हैं, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम 2 नींबू लेकर डाल लेंगे, नींबू का जूस है, छान कर डालेंगे, थोड़ा सा उबलने देंगे। ये देखिए दूध फटकर तैयार हो गया। अब हम ढाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फटकर तैयार हो गया। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। नीचे गंजी ले लेंगे, उसके ऊपर छन्नी वाली टोकरी रख देंगे, काटन का कपड़ा ले लेंगे। हम छेना को, फटे दूध को धीरे धीरे करके छान लेंगे। छन जाएगा फिर एक बार पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से हम एक बार धो लेते हैं। पानी को अच्छे से निथार लेते हैं। अब हम बांध लेंगे थोड़ा सा निचोड़ कर, और हैंग वाले जगह में हैंग कर देंगे। ऐसे बांध लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए हम हैंग कर लेंगे। 15 मिनट हो गया, छेना को हैंग करके निकाल लिया हमने। ये देखिए जो चिपका है इसमें, इसको भी निकाल लेते हैं ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा सा पानी निकल गया, निथर गया है। हम छेना में छोटे चम्मच, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छेना को अच्छे से गूंथना है हमें, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम चिकना हो जाना चाहिए, देखिए ऐसे चिकना हो जाना चाहिए। हमारे रसगुल्ला का डो तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा हाथ में घी या तेल लगा लेंगे ऐसे, फिर बॉल बना लेंगे रसगुल्ला का। हल्के हाथ से ऐसे ही बनाना है हमें। ये देखिए हमें सभी डो को ऐसी रसगुल्ला का बॉल बना लेना है ऐसे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमारा छेना का बॉल बनकर तैयार हो गया। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। हमने 1.5 कप चीनी ले लिए और 8 कप इसमें पानी डालेंगे। 2 लीटर दूध के छेना के लिए हमने 1.5 कप शक्कर और 8 कप पानी लिए हैं। हम चम्मच चलाते रहेंगे उबाल आने तक, थोड़ा सा शक्कर को घूमते तक चम्मच चलाएंगे हम। अब अच्छे से उबाल आ गया। अब हम छेना के बॉल को डालेंगे आराम से। डालते तक हम फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गया। अब हम थोड़ा खोल कर देखेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे चम्मच चला लेंगे, हल्के से ढक देंगे। 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 15 मिनट में हम एक बार और खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए कितना स्पंजी दिख रहा है हमारा रसगुल्ला। 10 मिनट और बनाएंगे। देखिए हमारा रसगुल्ला बन के तैयार हो गया। ये देखिए एकदम स्पंजी भी है। अब हम थोड़ा से 2 मिनट के लिए हम ठंडे पानी में भिगा देंगे, तो और एकदम स्पंजी हो जाएगा हमारा रसगुल्ला। ये देखिए एकदम स्पंजी। अब हम निचोड़ कर फिर से चाशनी में डाल देंगे, पानी को निचोड़ कर। ये देखिए हमारा छेना रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया। भिगाने के बाद हम 1-2 मिनट पका के ही निकालेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।